वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दिलेट शो, मैं हूं मुची खान। और अभी ब्रेक से पहले आपने एक बहुत ही प्यारा न्यूली वेड कपल से आपकी मुलाकात करवाई, उनसे आपकी मुलाकात करवाई और उनकी शादी को 10 दिन हुए। जैन अख्तर, उनकी प्यारी सी वाइफ तूबा जैन, और आप भी अपने जो घर में या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें किसी की नई नई शादी हुई है तो आप उनकी डिटेल्स जो है भेजें ईमेल के थ्रू lateshow@nvibe.tv और उनको ज़रूर हम अपने प्रोग्राम में जो है ना उनका इंटरव्यू लेंगे, उनको बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे ये चीज़ कही जाती है कहने को, मैंने इनके पहले भी बहुत सारे शोज देखे हैं और क्या ये गाते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आरजे भी हैं और बहुत ही खूबसूरत रेडियो में प्रोग्राम्स करते हैं, और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे प्रोग्राम में वक्त निकाल के तशरीफ लाए हैं, और आज इनसे काफ़ी सारी बातें होंगी। और ये बता दूं कि इनकी इंस्पिरेशन गाने में है किशोर कुमार, जो है हम सब के बहुत फेवरेट हैं, और उनके क्या यादगार गाने हैं जो हम सब में कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो है वो गाने जो है अभी तक हर एक की ज़ुबान पर हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, और क्या अमेजिंग उनका म्यूज़िक होता था और उनके गानों का जो स्टाइल है। और आज इनकी जो आज आवाज़ में आप सुनेंगे तो आपको वाकई में मैं कह रही हूँ बहुत मज़ा आएगा। सो आई हैव द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी स्वीट बिलाल पटेल विद मी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बिलाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको आज मौसम की जो गर्मी है उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसा लग रहा है? मैं तो अभी यहाँ का सोच रहा हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पे तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, बिल्कुल। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम मरी में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट कैसे आपकी ठाक है? अल्लाह का एहसान। थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच आपने बुलाया। नहीं, मुझे बहुत आज खुशी भी है क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट हैं किशोर कुमार। सबसे पहले ये बताएं बिलाल कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कब और कैसे पैदा हुई? पता है बात क्या है मिशी, बात ये है कि देखिए किशोर दास से मेरा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ और आपको भी बता दूँ कि जब मैं किशोर दा को सुनता था बचपन में जी, तो मुझे ऐसा लगता था या तो ये मैं गा रहा हूँ या ये मेरे कोई भाई हैं या ये मेरे कोई रिलेटिव हैं, ये है कौन आखिर, ये बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि कुछ एकदम अपना अपना सा एहसास वो था। तो मेरी आवाज़ क्योंकि बहुत ख़राब थी बचपन में, मैं बहुत स्क्रैचेस थे मेरे वॉइस में, तो मैं गा तो सकता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि जो चीज़ मेरे हाथ में आ जाए मैं उसको बजा बजा के और गाना गाना शुरू करता था। कोई बॉक्स आ जाए, कोई चप्पल आ जाए, कोई सैंडल आ जाए, कुछ भी आ जाए मैं उसको बजा बजा के गाता था। तो बस फिर ये हुआ कि हमने जब स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ हमने स्कूल में म्यूज़िक सीखना शुरू किया, और म्यूज़िक सीखते सीखते मुझे म्यूज़िक का क्रेज़ था, तो हमको जो सिखाते थे मैं कोशिश करता था कि नेक्स्ट डे जब जाऊं तो उससे आगे कुछ करके जाऊं। तो मैं इस तरह फिर हो गया, और स्कूल में मुझे गाने के लिए तो कोई लेता नहीं था क्योंकि भाई आवाज़ हमारी बहुत ख़राब थी। तो ये तो मतलब ये मुझे बताएं कि आपने फिर कितनी उम्र से सीखना शुरू किया? वे बैक 1987 किशोर दा की जब डेथ हुई तो मुझे एक बहुत शौक लगा, और वो शौक इतना ज़्यादा था कि आप बिलीव करेंगे मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया ये सोच के कि ये क्या हो गया। और उसके बाद फिर ग्रेजुअली मैंने स्टार्ट किया सिंगिंग, तो मेरे डैडी मुझे बोलते थे कि भाई तू क्या गाएगा, माइक के सामने गाना बच्चों का खेल नहीं होता है, तुम सिर्फ म्यूज़िक बजाते रहो और बस तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, कीबोर्ड बजाओ। तो मैं डैडी से छुप के और घर में प्रैक्टिस करता था, एक एको यूनिट मैंने लिया था उसमें प्रैक्टिस करता था, जब मेरे डैडी क्लब चले जाते थे तो मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था, और 12-12 घंटे कभी कैसेट के साथ कभी माइक पे, जब तक मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाए। तो डैडी को सुनाया मैंने, डैडी मैं गा रहा हूँ, बोले अच्छा सुनाओ, सुनाया तो डैडी को कुछ अच्छा लगा, बोले हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट तो है। बस इस तरह ये शुरू हुआ सारा सेटअप। दैट्स अमेजिंग। तो आप ये बताएं कि आपका जो फेवरेट, वो तो खैर एक से एक किशोर कुमार की जो हिस्ट्री है पूरी उसमें एक से एक गाना उन्होंने गाया, लेकिन आपका कहते टॉप फेवरेट कौन सा गाना है? बहुत गाने हैं अगर हम सोचें तो, बहुत सारे गाने हैं। चिंगारी मुझे बहुत पसंद है, दुखी मन मेरे मुझे बहुत पसंद है, और कुछ ऐसे अननोन गाने हैं जैसे रहे ना रहे, चाहे हम और तुम,
जो जो ट्यून अट्रैक्ट करती है, मैं लूटे हुए प्यार की कहानी सुनाने आया हूँ, ये अननोन गाने हैं, ये लोगों को ज्यादातर सुने हुए नहीं है लोगों के, तो ऐसे बहुत बहुत गाने हैं, बहुत गाने हैं। हाँ वैसे वाकई उनके तो कोई ऐसा गाना नहीं जो इंसान कहे कि ये अभी मैं अगर बोलूँ रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी, तो वो एक कॉमन गाना है कि सबको ही पसंद है। सही। आपका अपना फेवरेट कौन सा है? मुझे चिंगारी बहुत पसंद है। चिंगारी कोई भड़के। चिंगारी कोई भड़के। बस वही आपसे सुनना है अभी, लेकिन आपकी जगह से एक कॉल भी है। श्योर, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिशी। सुरेंद्र साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह कैसा ना सुना मिशी। वेरी वेल, थैंक यू। पहले बात तो मिशी, आपका बर्थडे वीकेंड शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया? आपकी बर्थडे है इस वीक में। जी जी जी। तो यानी कि ये वीकेंड आपका शुरू हो गया, ये हम पूरा वीक आपकी बर्थडे मनाएंगे। हाँ, तो सो थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और उसके अलावा कपल आया, बहुत खुशी हुई। मेरी वाइफ कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल मिशी भी इसी प्रोग्राम में एज ए कपल आएंगी। ये मेरी वाइफ की दुआएं, सामने देख रही है आपको। जैसे आप, मैंने उनको बताया कि आज एक नया कपल है, उसका शो है, तो मेरी वाइफ के मुंह से निकल गया कि मुझे लग रहा है कि इस साल मिशी भी एज ए कपल इस शो में आएंगी। तब यहाँ पे दो कुर्सियाँ होंगी ना, या दोनों बैठ के फिर करेंगे प्रोग्राम। बिल्कुल। और आज आपने जिस हस्ती को यहाँ पे बुलाया है जी, आज तो हम इनके गाने सुन के लुत्फंदोज होंगे और आज का शो तो वाकई शो होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। आप बात करना चाहेंगे बिलाल से? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल करें आप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप अपनी पसंद का जो सबसे अच्छा आपको किशोर दा का गाना हो सुनाइएगा। जरूर सुनाएंगे जी, जरूर सुनाएंगे। और हम आपका शो एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको, आपकी पूरी नेटवर्क को सुरेंद्र की तरफ से ढेर सारे सलाम। थैंक यू सो मच सुरेंद्र साहब, आप यू सच अ लवली कॉलर, अब तो आप फैमिली की तरह हो गए। हमारी तरफ से भी आपकी पूरी फैमिली को बहुत सलाम। अच्छा मिशी, मेरे बहनों ही रमेश कुमार, उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारे सलाम। मेरी तरफ से रमेश साहब को बहुत ही सलाम और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुदाफिज़। सो स्वीट। ये सांगर से कॉल करते हैं बिलाल, और ये बहुत ही कहते हैं ना, अच्छे टेस्ट म्यूजिक में कम होता है लोगों का। ये जो आहक करते हैं ना, ये मुझे बहुत इंस्पायर किया आपका। अल्लाह है। और पता है मुझे नेट पे मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये तुम आहक करते हो, ऐसा लगता है असरानी बोल रहा है। मैंने बोला भाई किससे मिला रहे हो यार, क्या कर रहे हो ये? अच्छा, आपकी बहुत अच्छी इस्लाम दुआ या आपकी जो फैमिली टर्म्स है, वो रजा मुराद जिनको मैंने किया था इंटरव्यू इस्लाम नमस्ते में, उनसे भी बहुत है। तो वो कैसे ये वाकया हुआ भाई? रजा भाई से एक्चुअली मैं गया था, सोनी वालों ने मुझे बुलाया था के फॉर किशोर में एज ए गेस्ट आर्टिस्ट जी। तो मैं सोनी के रिकॉर्डिंग पे गया, तो हम लोग एक प्राइवेट प्रोडक्शन कर रहे थे, एक सीरियल बना रहे थे, तो उसमें रजा भाई जैसे कैरेक्टर की जरूरत थी। तो रजा भाई को मैंने कॉल किया, रजा भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे घर आए। घर आए तो उन्होंने देखा कीबोर्ड लगा हुआ है, कहने लगे यार आप अच्छा। फिर रजा भाई ने किशोर दा के साथ एक फिल्म में काम किया था, वो फिल्म थी दूर वादियों में कहीं। और उस फिल्म से रिलेटेड आपको एक बात बताऊं मिशी, कि किशोर दा खुद सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन उस फिल्म में गाना तो दूर की बात है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं था। उस फिल्म में रजा भाई ने एक जेलर का रोल किया था। तो रजा भाई ने मुझे कहा यार आप कीबोर्ड पे गाते हो, कुछ सुनाओ यार। तो उन्होंने मुझसे गाना फरमाइश किया, लुक छिप जाओ ना। मैंने गाना शुरू किया, तो उन्होंने पहले उनकी बेटी आयशा को फ़ोन किया, उसके बाद फिर उनकी मिसेस को फ़ोन किया। कहने लगे यार मैंने, मतलब अब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने कहा यार वो बात कर रहे थे कि मैंने ऐसा किशोर दा को गाते हुए नहीं सुना किसी को, तुम सुनो फ़ोन पे। उसके बाद फिर हमने साथ खाना वाना खाया, फिर हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है। That's so nice. ये जो छोटी छोटी इंसान के साथ वाकयात होते हैं, ये कितने लाइफ में मजेदार एक टाइम बिल्कुल में। बिल्कुल। बल्कि अभी मेरी कजन से इत्तेफाक से मेरी बात हो रही थी, तो रजा भाई बैंक में आए थे किसी काम से, तो मुझे बोले बिलाल भाई आपके दोस्त यहाँ पर है। मैंने बोला अच्छा, उनको कुछ नहीं बोलना, फोन दे दो। फोन उन्होंने दिया, मैंने बोला फोन क्या कर रहे हैं बैंक में? अरे बिलाल मियां कैसे हो? आपकी आवाज बड़ी माशाल्लाह से बहुत भारी है। बहुत भारी। अच्छा बिलाल तो सुनाए फिर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज में है कि आप कौन सा गाना खूबसूरत सा सुनाएंगे। अभी मैं आया तो आप एक गाना गुनगुना रही थी, कौन सा था? है? एक शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। चलिए वही आपको सुना देते हैं।